हेलो गाइज, आप सबको न्यू रेस्टोरेंट का आज ब्लॉग बना रहे हैं। आप सबको दिखलाते हैं अंदर चल के कि न्यू रेस्टोरेंट में क्या क्या उपलब्ध है, और आपको मिलवाते हैं अंदर में सभी लोगों से। भैया से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे मटन हांडी बन रहा है जी, तो आप मटन हांडी मार्केट से खरीदते हैं या आप खुद का गोट लेके आते हैं? खुद मसाला तैयार करता हूँ जी। जी का मसाला है जी। यहाँ मिस्त्री का मटन हांडी का जो मिस्त्री है आपका कहाँ का है? बाहर का मिस्त्री जी, वो बाहर से आया है, स्पेशलिस्ट मिस्त्री है जी। जी जी, चंपारण मीठा हाउस आज से ओपनिंग हो चुका है ना। चलिए धन्यवाद। ये रेस्टोरेंट का मेन उद्देश्य क्या है? इस रेस्टोरेंट का मेन उद्देश्य क्या है कि यहाँ का जो खाना है स्वादिष्ट और शुद्ध और साफ सुथरा भी मिलेगा? बिल्कुल जी जी। रेस्टोरेंट का ऑनर से मिलवाते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट का ऑनर है, जिनका नाम, आपका नाम क्या हुआ धीरज जी? मेरा शुभ नाम मनोज कुमार हुआ, मेरा भाई का जो ऑपरेटर है इनका धीरज कुमार नाम है जी। आपका भाई का धीरज कुमार, वो हमको नहीं मालूम था इसके लिए सॉरी। और हम बोलना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट में जो आप सब ग्राहक को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं, वो आप खुद से मिस्त्री बाहर से आया है कि अंदर से? बाहर का मिस्त्री है। कहाँ कहाँ का मिस्त्री है? बंगाल का है जी, और नेपाल का है जी, और दो हमारा धनबाद का है जी। जी आइए हम आपको दिखलाते हैं होटल का जो साफ़ सुथरा है, अपना अपना कैबिन जो होता है, आइए दिखलाते हैं। ये देखिए पर्सनल कैबिन है, आप सभी को पर्सनल कैबिन लेना हो तो पर्सनल कैबिन में मिलेगा। इसमें इस होटल का यही खासियत है कि सभी को पर्सनल कैबिन मिलता है और साथ में। अब हम आपको दिखलाते हैं कि हांडी मटन तैयार हो रहा है, कुछ ही देर में हांडी मटन तैयार हो जाएगा, तो आपको दिखलाएंगे कि हांडी मटन तैयार कैसे हुआ है। आप सबको हांडी मटन तैयार होने का बेसब्री से इंतजार। चलते हैं आपको दिखलाते हैं, आधा हांडी मटन तैयार हो चुका है। आपको हांडी मटन का देखिए नज़ारा, देखिए कितना सुंदर से आपको हांडी मटन तैयार हो रहा है। ये हांडी मटन बहुत अच्छा ही बनाते हैं जो मिस्त्री हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं। ये मिस्त्री जो आए हैं चंपारण मीट हाउस से आए हैं। आप सबको दिखलाते हैं कि मटन हांडी कितना अच्छा स्वादिष्ट बनेगा, आप सबको टेस्ट करके बतलाएंगे कितना अच्छा बना है मटन हांडी। अब चलते हैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सजावट किया गया है इस रेस्टोरेंट में, जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और साफ़ सफाई का भी देख रेख कर किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ जो हैं एक्टिव रहते हैं। आप सभी को दिखलाते हैं कितना अच्छा सा रेस्टोरेंट में व्यवस्था कराया गया है। ये देखिए आप सबको दिखलाते हैं कि ग्राहक कैसे लोग आए हुए हैं। ये देखिए सभी ग्राहक जो मटन हांडी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, सभी का फीडबैक लिए हैं, जो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और आगे आपको दिखलाते हैं जो जो भी ग्राहक आए हुए हैं सभी को सभी से फीडबैक। धीरज जी जो इनको रखे हैं, इस रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा उद्देश्य है कि गरीब को भी काम देना है। हम धीरज जी से बात करना चाहेंगे कि इसे क्यों रखे हैं? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो पढ़े लिखे हैं वो तो काम करेंगे नहीं जी, वो तो कहीं भी कमा कर खा लेंगे जी। जी हमारे पास जो गरीब आदमी है वही यहाँ कमाएंगे और खाएंगे जी, ठीक है। जो गरीब आदमी जो परेशान रहते हैं वही काम भी कर सकते हैं, साफ सफाई भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान कहाँ से काम करेंगे जी। जी ये तो आपका अच्छा उद्देश्य है धीरज जी, तो इनको आप हमेशा रखते हैं? परमानेंट के लिए रखे हैं जी। जी आपको इनको सारा सुविधा है, खाना पीना रहना सुनना बैठना सब, कपड़ा उपड़ा सब देते हैं, सब देते हैं। बहुत अच्छी बात है धीरज जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम अपना व्यूअर से ये कहना चाहेंगे कि इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो खाना मिलता है बहुत शुद्ध एवं ताज़ा और साफ सफाई के साथ भी मिलता है। चलिए धन्यवाद धीरज जी।